Very uh, venerable viewers, we are going to understand the uh, concept of uh, emotions. Uh, very uh, comprehensive and very intelligently connected uh, concept is about the thinking of uh, emotions, thinking ability is involved. इन दिवलपमेंट ऑफ़ इमोशन्स लाइक कागनेटिव एपरेजल थेरीज ऑफ इमोशंस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस मैं लेट वी सी अबाउट दिट इट इज़ ऑल रिलेटेड विद अ थिंकिंग फर्द किस तरह से सोचता है यानी सोचना और फिर पॉजिटिव सोचना या फिर नेगेटिव सोचना uh, ये बड़ा काउंट uh, करता है हाओ वी आर सींग थिंग वी आर प्रसीविंग वट इज़ अवर ओन स्टेट ऑफ माइंड हमारी अपनी जो कैफियत है वो क्या है हम प्लेजेंट हैं हमें मौसम अच्छा लगता है हम अंदर से सेटिस्फाइड हैं हमें बाकी चीज़ें भी पाया तकमील को पहुँचती नजर आती हैं लेकिन इफ़ वी आर इनरली डिस्टर्ब इनरली डिसटिस्फाइड हमारे अंदर ही एक पहले से सोच मौजूद है थिंग्स आर नॉट गुड तो फिर हम आ, उन चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते तो फर्स्टली वी टू प्रिपेयर अवर सेल्फ टू थिंक अपनी कैफियत से निकल कर ये ज़रा मुश्किल है कि हम उसको न्यूट्रल होकर देखें इसमें ये होगा कि हम अपने उन uh, रेस्पॉन्स को देखें कि वट आई कैन रिफ्लेक्ट अच्छा तरीका ये है वी कैन सजेस्ट वी कैन थिंक अबाउट कि हम चीज़ों को हमेशा हमेशा पॉजिटिव देखें पहले तो पॉजिटिव देखें इसमें कोई स्किल वाली बात है इसमें कोई अहम बात है इसमें कोई ऐसी बात है जो दैट कैन बी गुड फॉर द सिचुएशन यस इफ दोज आर देन वी कंसिडर आ, उसके बाद फिर अगली तरफ हम जाएंगे इससे नुकसान क्या हो सकते हैं तो ये सोचने का एक बड़ा अच्छा ज़रिया है और हम माशरे इमोशंस को इस्तेमाल करने का और उससे फ़ायदा उठाने का बड़ा अच्छा सोर्स है इसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने मुख्तफ तरह के जो स्टिमुलस है उसको रिकनसाइल करते हैं स्टिमुलस मीन के अल्फाज की मदद से हमारी बाडी के अंदर एक जो रिएक्शन डेवलप uh, होता है वो रिएक्शन सोच के अंदाज में भी होता है हमारे एक्शन के अंदाज में भी होता है और हमारे मूवमेंट के अंदाज में भी होता है और उसमें फिर यह है कि वो जो स्टिमुलेशन हमें मिलती है तो हम बातों का फिजोलॉजिकली फील वी एक्सप्रेस बाय डूइंग समथिंग टास्क उसमें दूसरों से मिलना दूसरों को वेलकम करना दूसरों के लिए इकदाम करना दूसरों के आमद पर चीज़ों को सजाना एक्सप्रेस करना उसको यानी माहौल को सेट करना और उसके लिए दिलचस्पी का इजहार करना ये सारी चीज़ें शामिल हैं और इसका ताल्लुक़ हमारी अपनी सोच से कि हम किस तरह से दूसरों को या दूसरों के बारे में सोच रहे हैं और हम उनके बारे में क्या इकदाम करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक हमारी अपनी सोच के साथ है और इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड द मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस कि हम अपनी सोच का नुकता कहाँ से शुरू करते हैं हम उसको सोचते किस तरह से वो सोचने के लिए वी टू बी वेरी पॉजिटिव और इसमें समटाइम फेसियल एक्सप्रेशन आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हमारे जो फेसियल एक्सप्रेशन हैं खुश तो हम हैं लेकिन हमारे चेहरे पर यहाँ से अगर आप देखें तो पहला ही आ, जो फेस एक्सप्रेशन है आ, वो मौजूद है तो उससे उसका इजहार नहीं मिलेगा उसके इजहार के लिए ज़रूरी है कि वी टू बी एटलीस्ट थ्री नंबर फेस और उसके मजीद इजहार के लिए उसकी सक्सेस के लिए हम टू बी वेरी रेलिवेंट विद द फोर्थ नंबर एक्सप्रेशन ऑफ द फेस तो जो ये जो फेसियल एक्सप्रेशन हैं दोज आर वेरी रिलेटेड फॉर फा सक्सेस एक्जीक्यूशन ऑफ ओवर इमोशंस और इमोशन के इजहार के लिए यानी हम उससे अगर फ़ायदा उठा सकते हैं हम अपने कैरियर में फ़ायदा उठा सकते हैं हम दूसरों के दिल जीत सकते हैं तो एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट बेनिफिशल दी गेटिंग बेनिफिट ऑफ अवर इमोशंस और इसमें हमारे जो फेसियल मसल्स हैं अगर इफ़ यू आर हैबिचुअल ऑफ इट कि हम अपने इमोशन् के, के लिए फेसियल एक्सप्रेशंस अच्छे देते हैं तो हमारे वो फेसियल एक्सप्रेशन स्टेबल हो जाए और हम हर लमह अपने आप को एक्सप्रेसिव रखते हैं यानी जो दूसरों के लिए परसीविंग रिसीविंग होते हैं और दे फील इट हैप्पी दे ऑल्सो फील इट एक्सेप्टिंग अपने बिजनेस के लिए अपने यानी उस सिचुएशन में इफ़ वी आर वर्किंग इन ऑफिस वी टू शो ओवर गुड एक्सप्रेशन हम हम वक्त अपने आप को अगर संजीदा रखते हैं बल्कि नाराज़ रखते हैं तो उसके एक्सप्रेशनस भी हमारे उसी तरह से होंगे कि उसका इजहार भी मिलेगा और उससे हमारे मसल्स जो हैं जो फेसियल मसल्स हैं दैट विल स्टेबल यानी वो जो फेस का एक्सप्रेशन है वो एक कम्पैक्ट सिचुएशन में आ जाएगा और उसका इजहार उस तरह से नहीं होगा जो हमारी रियल रिफ्लेक्शन होगी यानी अगर हम खुश भी होंगे तो उसमें इजहार हमारी नाराज़गी का ही हो रहा होगा तो इसलिए हम कोशिश ये करें कि हम अपने फेसियल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेसिव बनाएं इन द लाइन एंड लाइट ऑफ एक्सेप्टेबल फॉर अदर्स और एक्सेप्टेबल हमेशा uh, खुशी कंफर्टेबिलिटी uh, आराम आसूदगी और इजहार जो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल हो जो दूसरे जिसको चाहते हों इस तरह से इजहार करना ये बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए फेसियल एक्सप्रेशन आर Um, uh, presenting establishing a positive role and we to take this opportunity to execute our positive role in the expression of emotions thank you very very much for uh, being uh, with us